तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं में इलेक्ट्रोड जो हमारी E7018 इलेक्ट्रोड क्या होती है, किस तरह से इसके कोड को टैली करते हैं, किस तरह से हम इसके कोड को पढ़ते हैं, इस सभी पर डिस्कस करेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। तो मेरा नाम है राजन और आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसकी जो इलेक्ट्रोड है इसके कोड को किस तरह से पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये इलेक्ट्रोड है। आप देखेंगे इसका जो इलेक्ट्रोड पे कोड लिखा हुआ है वो E7018। तो हम इसी इलेक्ट्रोड के बारे में सीखेंगे कि ये जो कोड है इसका क्या मतलब है। दोस्तों मैंने इससे पहले भी वीडियो इलेक्ट्रोड पे और भी वीडियो बनाई है, मैंने E6013 पे भी वीडियो बनाई हुई है, जो कि आप मैं उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको ये जो E7018 कोड है इसके बारे में क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रोड जो है हमारे, आप मैं पहले ही बताया कि इलेक्ट्रोड जो हमारा वेल्डिंग करने के लिए हम जिस रोड का यूज करते हैं उसको हम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसमें देखेंगे लास्ट में यहाँ पर इसको टिप बोलते हैं, टिप के बाद हमारा ये यहाँ से इसको बोलते हैं हम कोर वायर, जो हमारी यहाँ से ये देखेंगे आप इसको कोर वायर, और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ना इस पर ये फ्लक्स की कोडिंग होती है। इस पर जो ये आप देखेंगे इसकी फ्लक्स की कोडिंग होती है। इसके बाद हम दोस्तों अब इसके पढ़ते हैं, हम समझते हैं इसके जो इसका ये जो है हमारा ये कोड है इसको हम किस तरह से रीड करते हैं, तो इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो इलेक्ट्रोड है हमारा E7018 जो हमारा कोड है, इसमें हमारा कोड को हम किस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले ई जो हमारा ई से मतलब होता है एक्सट्रूजन मैथड, यानी जो हमारा इसमें जो फ्लक्स लगा हुआ है इस फ्लक्स को किस मैथड से इस पर लगाया हुआ है। तो हमारा जो ई है वो एक्सट्रूजन यानी एक्सट्रूजन मेथड से इस फ्लक्स को लगाया हुआ है, और इसमें जो फ्लक्स का जो टाइप होता है वो होता है लो हाइड्रोजन प्लस आयरन पाउडर। इसका मतलब हम जो इसमें फ्लक्स यूज करते हैं, इस फ्लक्स का जो मटेरियल होता है वो लो हाइड्रोजन प्लस आयरन पाउडर का यूज करते हैं। इसके बाद आप अगला जो नंबर आता है हमारा 70, जो डिजिट आती है 70। दोस्तों 70 होती है, इसका मतलब होता है कि जो ये इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड से हम कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ की वेल्डिंग को कर सकते हैं, हमारी वेल्डिंग की हुई वेल्डिंग कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ जो लोड है वो ले सकती है वो डिफाइन करती है हमारी ये जो हमारा 70 से है। 70 से जो हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो लोड लेगी वो 70,000 पाउंड स्क्वायर पर इंच का, 70,000 पाउंड स्क्वायर पर इंच का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमारा ये लोड है वो ले सकती है। इसके बाद बात करते हैं इसमें हमारा अगला नंबर है हमारा 18 18। आप देखेंगे इसका जो 18 अगला जो नंबर है यानी थर्ड डिजिट जो है 1, तो इसका मतलब होता है ऑल पोजीशंस। इसका मतलब जो हम ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है इसको सभी पोजीशंस में हम इसको वेल्डिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, इजिली सभी पोजीशंस पे आप इस इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 8। तो दोस्तों 8 जो है हमारा दो चीज़ों को डिफाइन करता है, एक तो हमारा पेनिट्रेशन है, जो कि पेनिट्रेशन आपका किस तरह का पेनिट्रेशन आता है, इसमें जो हमें पेनिट्रेशन मिलेगा वो मीडियम पेनिट्रेशन मिलता है। उसके बाद 8 नंबर है वो डिसाइड करता है कि हम किस करंट पे इस इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा इस जो करंट है इस करंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हम इसमें एसी प्लस डीसीईपी, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट और डीसीईपी मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल पर रख के हम इसको इस इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके डाया के बारे में, जो हमारे डाया मिलते हैं 1.5 mm, 2.5 mm, 3.15, 4.0 mm, 5.0 mm, तो इस तरह के डायस आपको इस इलेक्ट्रोड में आपको मिल जाएंगे मार्केट में। जिस भी साइज का इलेक्ट्रोड का डाया आपको चाहिए आप उस साइज के इलेक्ट्रोड का डाया लेकर आप वेल्डिंग कर सकते हैं, इसलिए वेल्डिंग कर सकते हैं आप इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रोड की जो हमारा ये इसको हमें किस तरह से इसको सेफ प्लेस पर रखना चाहिए, किस तरह से इसको स्टोर करना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको सही से स्टोर नहीं करेंगे तो आपकी जो हमारी जो इलेक्ट्रोड है वो खराब हो सकती है, उसमें मॉइस्चर आ सकता है, नमी आ सकती है, जिसके कारण हमारी इलेक्ट्रोड खराब हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड मस्ट बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोड होती है उसको हमें हमेशा सूखे यानी ड्राई प्लेस पर रखना चाहिए। द पैकेजेस मस्ट बी कीप्ड रेज फ्रॉम द फ्लोर, जो हमारे जो पैकेजेस हैं ये हमारे जो फ्लोर है जमीन से नीचे नहीं रखना चाहिए, हमें हमेशा इसे ऊपर ही रखना चाहिए। द स्टोरेज आर मस्ट नॉट बी टू हॉट एंड देयर शुड बी प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर, हमेशा ना तो इन्हें हम ज़्यादा हॉट गर्म जगह पे रखना चाहिए और ना ही हमें ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ ज़्यादा गर्मी है। दूसरी चीज़, इसको जहाँ भी रखें प्रॉपर एयर सर्कुलेशन यानी हवा का निकास वहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरह की ऐसी जगह पे हम इसे इलेक्ट्रोड को हमें स्टोर करना चाहिए, रखना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था हमारा
इलेक्ट्रोड के बारे में, इलेक्ट्रोड E7018 के बारे में कि इस कोड का क्या मतलब होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।